तो गाइस आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग डॉक्टर ट्रस्ट की एक बीपी मॉनिटर की। तो हे गाइस, मैं हूँ सौरभ और वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ अनुपम साहू। और आज हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग, तो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। पर उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पे लाइक भी कीजिएगा। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसके अंदर गाइस हमें टू बैटरीज मिली है। अब गाइस ये है हमारा मीटर और हमें ये भी मिला है, इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। देखते हैं हमारे मीटर को। तो गाइस हमें पहले हमें 4 AAA बैटरीज मिलती हैं, देख सकते हैं इसके अंदर और 2 भी डली हुई हैं। तो ये इसके अंदर ही आई थी, आपको इसे पहले आपके मीटर में लगा देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ। देख सकते हैं हमने ये 4 AAA बैटरीज लगा दी है। और ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला बटन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये आवाज क्यों आ रही है। हमें पहले ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे मीटर पे कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमारा ये इन्फ्लेट होने वाला है। फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। और गाइस आपको इस मीटर में एक LCD स्क्रीन मिल जाती है, और देख सकते हैं ये है हमारी LCD स्क्रीन। इसमें आपको टाइम दिखाएगा, और मैं आपको बोल देता हूँ इसमें टोटल 2 मोड हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक MEC मोड है। स्टैंडर्ड मोड में वो खाली एक ही बार आपकी रीडिंग्स लेता है और आपको बता देता है, बट जो MEC मोड है उसमें आपको 2 बार रीडिंग लेगा, आपका जो 2 बार रीडिंग लेगा BP का, और उसका एवरेज निकाल के आपको बोल देगा। और इन दोनों में चेंज करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे जो ऑन ऑफ बटन है आपको इसे 2 सेकेंड्स तक प्रेस करना पड़ता है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ आपको इसको कैसे अपने हाथ पे लगाना है। पहले तो इस वेलक्रो को खोल दीजिए और अपने हाथ में आपको यहाँ तक लगाना है, और स्पेस इतना होना चाहिए कि आपके जो 2 फिंगर्स हैं वो अंदर जा सकें, उतना टाइट होना चाहिए हमारा। और वेलक्रो की आप हेल्प से इसे फिक्स कर सकते हैं, और आपका जो हार्ट का जो लेवल होना चाहिए वो आपके हार्ट के लेवल का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको अपना हाथ रखना है और फिर यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन प्रेस कर देना है। गाइस ये BP तो मेजर करता ही है, ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपको टाइम एंड डेट भी शो करेगा और आपका जो हार्ट है उसका पल्स रेट भी शो कर देगा। तो इस बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइम और डेट शो करता है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पल्स रेट है वो भी शो कर रहा है। और इसके और भी कुछ फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन, देख सकते हैं फर्स्ट फीचर है इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट बीट है अगर इरेगुलर होता है तो फिर इस मॉनिटर में आपका एक ग्राफ है उसमें आपका इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन शो कर देगा। जो यहाँ पे हमें सेकेंड फीचर मिलता है वो है एडवांस्ड फजी एल्गोरिदम टू प्रिवेंट ओवर पंपिंग, ये देख सकते हैं हमारा सेकेंड फीचर है। इस फीचर का मतलब ये है कि अगर आपका जो हार्ट रेट है वो ज्यादा ओवर पंप कर रहा है तो फिर ये आपको स्क्रीन पे दिखा देगा और आपको एक बीपिंग साउंड भी आएगी। तो गाइस थर्ड फीचर जो यहाँ पे हमारा है वो है जेंटल पंपिंग। तो
तो जेंटल पंपिंग का मतलब ये है कि जब आप इस वेलक्रो को अपने हाथ पे आप बांधते हो और ये इन्फ्लेट जब होता है तभी आपको ज्यादा टाइट महसूस नहीं होगा, आपको जेंटल महसूस होगा। फोर्थ फीचर जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है हमारा यूजर फ्रेंडली। तो यूजर फ्रेंडली ये बहुत ही इजी टू यूज है, गाइस कोई भी यूज कर सकता है, कोई एज पर्सन भी यूज कर सकते हैं इसे, और बहुत ही फास्ट एंड रिलायबल है जो हमारा फिफ्थ फीचर है। आपका जो बीपी ये बहुत ही फास्ट शो करता है और वो एकदम एक्यूरेट होता है गाइस। और यहाँ पे लार्ज LCD देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं लार्ज LCD है। जो सिक्स्थ फीचर है वो है ऑटो ऑन और ऑफ। तो ऑटो ऑन और ऑफ का मैं फीचर बता देता हूँ, जो लास्ट वाला है, अगर आप इसे गलती से ऑन छोड़ जाते हैं तो फिर 3 मिनट्स की इनएक्टिविटी के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। लास्ट फीचर है क्विक यूजर सिलेक्ट, जो ये वाला है क्विक यूजर सिलेक्ट। तो इसमें आप बेसिकली दो यूजर्स का रीडिंग्स जो है आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपने नोटिस किया होगा M करके एक बटन है, उसका मतलब है मेमोरी बटन। तो आप इसमें मैक्सिमम 60 तक रीडिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखते हैं मेजर करके। देख सकते हैं मैंने अपने एंकल से 2-3 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है। और देखिए हार्ट के लेवल पे रखा हुआ है मैंने अपना हैंड, और बीपी मॉनिटर को अपने हाथ में रखिएगा आप। पहले तो मैं इसे निकाल लेता हूँ भाई। अभी गाइस इसे ऑन कर देते हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। गाइस देख सकते हैं मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा हूं। ओके, देख सकते हैं दिखा चुका है हमारा। तो गाइस ये है हमारा सिस्टोलिक, ये है डायस्टोलिक, ये हमारा पल्स रेट, ये यूजर वन, मैं यूजर वन हूँ, और डेट और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। अभी मैं इस बॉक्स के अंदर से यूजर मैनुअल निकाल के इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ पे वारंटी कार्ड भी इन लोगों ने दिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई वारंटी होगी भी। ये है हमारा यूजर मैनुअल, इसका आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, जस्ट आपको ये QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। तो गाइज नॉर्मली बीपी मेजर करने के लिए हम X/Y बोलते हैं, जो X है वो हमारा अपर वाला है जो है हमारा सिस्टोलिक, जो लोअर है वो है डायस्टोलिक। और ये सिस्टोलिक नॉर्मली 120 होता है, डायस्टोलिक 80। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
बिटवीन 100 एंड 120 होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 एंड 80 के बीच में होगा तो फिर ये है हमारा ऑप्टिमल बीपी। और अगर 120 और 129 के बीच में हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 और 84 के बीच में रहता है तो फिर ये है हमारा नॉर्मल बीपी। अगर 132/35 and 89 रहता है तो फिर ये हमारा हाई टू नॉर्मल बीपी है और इस केस में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिटवीन 140/159/90/99 रहता है तो फिर ये हमारा स्लाइट हाइपरटेंशन है और इसमें आपको मेडिकल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है। 160/179/100/109 रहता है तो ये मीडियम हाइपरटेंशन है, इसमें भी आपको मेडिकल एडवाइस की सख्त ज़रूरत है। हायर देन 180 रहता है और हमारा जो डायस्टोलिक है वो भी अगर हायर देन 110 रहता है तो फिर ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंशन, इसमें आपको अर्जेंटली मेडिकल पे जाना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस बीपी मशीन को यूज़ करने से पहले आपको इस बुकलेट को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। और इतना ही था डॉक्टर ट्रस्ट के बीपी मॉनिटर के बारे में। मिलता हूँ आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।